लब्धि सार अर्थ संदृष्टि अधिकार लेक्चर नंबर 13 यह श्री क्षपणासार गर्भित लब्धिसार का अर्थ संदृष्टि अधिकार है जिसे पंडित डोरेमन जी ने ढूंढारी भाषा में लिखा हुआ है उसी का हिंदी अनुवाद देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 526 पर आए 526 शायिक सम्यक्त्व का अधिकार चल रहा है और हमने कृतकृत्य वेदक सम्यक्त्व तक की बात यहाँ पढ़ी थी अब यहाँ पढ़ेंगे शुरू से पुनश्च कृतकृत्य वेदक काल में कृतकृत्य वेदक काल है तो अंतर्मूर्त का उसमें से एक एक निषेक गलते गलते जब एक समय अधिक आवली अवशेष रहने पर उदयावली से उपरीतन स्थिति में से यानी उदयावली के ऊपर जो निषेक है उनमें से निषेक का अपकर्षण करके निषेक में निषेक का अपकर्षण उसमें से कुछ परमाणु नीचे आते उसको आवली में से एक कम आवली के दो त्रिभाग अतिस्थापन रूप रखकर यानी जब एक समय और एक आवली बाकी रहे तो आवली के ऊपर एक ही निषेक है और उसी निषेक में से नीचे अपकर्षण होगा कुछ द्रव्य नीचे आएगा हमेशा जब नीचे देते हैं तो एक आवली तो अतिस्थापना होती है परंतु यहाँ नीचे आवली मात्र ही निषेक है तो जघन्य अतिस्थापना कितना है और कितने निषेकों में यहाँ दिया जाएगा मान लेते 16 निषेक की आवली हम मानेंगे तो 17वें निषेक में से परमाणु नीचे कहाँ दिए जाएंगे तो आवली में से एक समय कम करो यानी 16 में से एक कम किया 15 और उसके दो त्रिभाग दो इन टू थर्ड यानी 10 तो 10 में नहीं दिया जाएगा तो वो अतिस्थापना और 6 में दिया जाएगा यही कहते हैं कि दो त्रिभाग अतिस्थापन एक कम आवली के दो त्रिभाग अतिस्थापन रूप रखकर एक अधिक आवली के त्रिभाग में देना यानी जो हमने एक बाजू रखा था तो त्रिभाग की वैल्यू होती 5 वो एक उसमें मिला देना तो 6 हो जाए वहाँ उस द्रव्य को पल्ले के असंख्यात हुए भाग का भाग देकर एक भाग उदय से लेकर असंख्यात समय तक असंख्यात गुणाक्रम से देना बहुभाग ऊपरवर्ती अतिस्थापना के नीचे के निषेकों में हीन क्रम से देना यानी देखो यहाँ जो फिगर बनाई है ऊपर का एक निषेक लिया आवली के ऊपर का यानी ये नीचे मैं आपको बोर्ड पर बता तो आपको कहाँ देखना वो समझ में आ जाए अभी तो कृतकृत्य वेदक काल में नीचे के ये अवली प्रमाण निषेक ये देने वाले द्रव्य की बात है वैसे तो यहाँ गुण श्रेणी रूप से ही रचना थी अब कहाँ कितना द्रव्य दिया जाता है तो उदय के समय से अवली तक ये कहाँ से निकला द्रव्य एक ही निषेक में से निकला हमने देखा ना 17वें निषेक में से नीचे आया 6 में दिया 10 में नहीं दिया तो 6 में दिया जैसे हम कह रहे हैं वैसे है तो वो असंख्यात निषेक क्योंकि आवली में असंख्यात होते हैं तो उसके वन थर्ड में भी असंख्यात होंगे तो असंख्यात निषेकों में असंख्यात गुणा क्रम से दिया और ऊपर का जो रिमेनिंग अतिस्थापना है
उसमें क्रमहीन दिया, उदय से लेकर आवली तक, आवली के पंथर तक, यानी छह निशिकों में अधिक्रम से नहीं, कैसे असंख्यात गुणाक्रम से थे। अब इस एक निषेक में से जितना द्रव्य नीचे आएगा अवकर्षण करके, तो अवकर्षण करके छह में दिया, दस में नहीं दिया, यहाँ क्या कहते हैं, अति स्थापना के नीचे के निषेकों में हीन क्रम से लेना, उस द्रव्य को पल्ले के असंख्यात विभाग का भाग देकर एक भाग उदय से लेकर असंख्यात समय तक, अच्छा उसमें भी दो भाग किए उन्होंने, सर मैंने कुछ गलत कहा, देखो देखो ये छह में दिया ना, उसमें से भी कुछ निषेक कौन तो असंख्यात गुणा क्रम से दिया, अति स्थापना में तो दिया ही नहीं, माने दस निषेक में नहीं दिया, हाँ ये दस निषेक अति स्थापना उसमें तो दिया ही नहीं ना, हमने इसको अति स्थापना लिख दिया, ये अति स्थापना है, अभी ऊपर की बात नहीं करेंगे, अपने अलग संदृष्टि बनाएंगे, इसमें ये एक ही स्थिति का जो निषेक है उसमें से कुछ द्रव्य नीचे आएगा और इतने में दिया जाएगा, तो इतने में दिया जाएगा तो असंख्यात निषेकों में तो असंख्यात गुणाक्रम से दिया जाएगा, और अति स्थापना के नीचे, ये अति स्थापना के लिमिट है, उसके नीचे शेष निषेकों में क्रमहीन रूप से दिया जाएगा, अति स्थापना के नीचे ही ये सब बता दें। अब पुस्तक में जो संदृष्टि बनाई मैं उसके अनुसार अभी आपको ड्राइंग बताऊँ, पुस्तक में जब बताइए यहाँ अति स्थापना है, ऐसे अति स्थापना इन्हें ये दस निषेक हो, अति स्थापना दस के अपने गणित में सोलह समय की अवधि मानी है, तो अति स्थापना दस निषेक की हो, ये प्रोपोर्शन मत देखना, ये दस और नीचे का छह, ये हमें वहाँ बड़ी बड़ी संख्या लिखनी है या उसको हाईलाइट करके बताना है, इसलिए उसको बड़ा लिखना है। अभी नीचे के छः में किस तरह से दिया, तो कहते दो विभागों में दिया, ऊपर के कुछ निषेकों में क्रमहीन दिया और नीचे के कुछ निषेकों में असंख्यात गुणा क्रम, यानी अपने एग्जाम्पल में अगर हम आवली इक्वल टू सोलह मानेंगे तो अति स्थापना दस की है और ये सब मिलकर छः की निक्षेप, इसमें असंख्यात निषेकों तक असंख्यात गुणा दिया और ऊपर क्रमहीन दिया, यहाँ तक बात ख्याल में कि एक निषेक का, यहाँ पे एक निषेक का द्रव्य हमने दिया क्योंकि अभी उतना ही उदीर्ण होने के लिए उतना ही बाकी था, आवली के ऊपर एक ही समय बाकी था और उसी का द्रव्य दे रहे हैं, लेकिन छह में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन किया, माने छह में क्या प्रोपोर्शन से कि जहाँ असंख्यात गुणा दिया और जहाँ घटते क्रम से दिया, उसका क्योंकि उसमें भी असंख्यात निषेक है दोनों मिलकर, ठीक है यथा योग्य असंख्यात तो असंख्यात गुणा दिया और उसके ऊपर घटते क्रम से, अति स्थापना के नीचे ही तो दिया है, यही बात यहाँ बताई, देखो ऊपर से चौथी लाइन, यानी उस अतिस्थापन कितना दो त्रिभाग और निक्षेप कितना है वही जो त्रिभाग था उसमें एक मिला था, उस द्रव्य को यानी जितना अवकर्षण किया उस द्रव्य को अतिस्थापना में तो देंगे नहीं, निक्षेप में देंगे, तो वहाँ किस तरह से देंगे, उस द्रव्य को पल्ले के असंख्यात विभाग का भाग देकर एक भाग उदय से लेकर असंख्यात समय तक असंख्यात गुणा क्रम से देना और बहुभाग ऊपरवर्ती अति स्थापना के नीचे के निषेकों में तीन क्रम से लेना। अभी हमने आपको समझाने के लिए छह में बताया, पर तो है तो आवली का त्रिभाग ही असंख्यात है उसमें, क्योंकि आवली में तो जगन्य युक्ता संख्या इतने तो समय है, यानी कितनी बार जगन्य परिता संख्या उतनी बार लिखकर आपस में गुणा किया था, तो उसमें त्रिभाग में भी बहुत बड़ी असंख्यात संख्या है, तो उसमें से कुछ असंख्यात तक तो असंख्यात गुणा और बाद में बहुभाग ऊपर दिया है वो हीन क्रम से मिला,
चाहिए, इसलिए भी उसकी संदृष्टि बनाई देखो। इनके गच्छ का प्रमाण यथासंभव असंख्यात ऐसा, यथासंभव असंख्यात बता दिया, इन्हें ऊपर भी असंख्यात कहेंगे नीचे भी असंख्यात सब कहेंगे, क्योंकि वो दोनों ही आवली के त्रिभाग है, उसमें से नीचे तो हम अलग संदृष्टि बनाते हैं। इन्हें हमने क्या देखा था, पूरा यहाँ का द्रव्य नीचे आने वाला है, तो उसमें द्रव्य कितना पड़ा है देखो, असंख्यात 12 कुछ कम, यहाँ कितना द्रव्य दिया जाएगा पहले निषेध में, तो ऊपर से जो आया है 7, 17, फिर अपकर्षण भागार से भाग दिया, वहां पर भी उन्होंने इसमें मैक्सिमम द्रव्य ऊपर के निषेक में, एक निषेक में मैक्सिमम द्रव्य पकड़ कर ये बात की, मैंने करीबन पूरा द्रव्य दिया और उसके अपकर्षण भागार से भाग दिया, तो एक भाग नीचे आया, ये भाग इन दोनों में डिवाइड हुआ, अति स्थापना के नीचे इन दोनों में डिवाइड हुआ, तो नीचे जो डिवाइड होगा तो पल्ले के असंख्यात भाग से भाग देकर एक भाग उसमें चला जाएगा और बहुभाग यहाँ से ऊपर चला जाएगा तीन क्रम से। अब ये जो दिया जाएगा उसको हम 85 से भाग देंगे और एक से गुणा करेंगे तो पल्ला निषेक, बीच में बिंदी बिंदी और अंत में हम 64 से गुणा करेंगे तो अंतिम निषेक। अभी देख लो पुस्तक में, देखो ऊपर तो अति स्थापना लिखी है और नीचे सारे ही निक्षेप, यानी निक्षेप जिसको हम कहेंगे, यानी ऊपर के उसका प्रमाण 10 है और नीचे का प्रमाण 6 है ना, परंतु हमें सारे फिगर लिखने थे और वहाँ मूल में इसे ही संदृश्य बनाए। तो देखो ये 100 संख्या 12 कुछ कम डिवाइडेड बाय 7 को 17, वो यानी अपकर्षण भाग, उसको पल्ले के असंख्या पे भाग से भाग देकर एक भाग, और वो असंख्य गुणा क्रम से देना है इसलिए 85 से भाग दिया, वहाँ एक लिखो या नहीं लिखो गुणित प्रमाण में वैल्यू उतनी है, और ऊपर अंतिम निषेक में बाकी सब ऐसे ही रखा 64 से गुणा, ये समझने यहाँ एक से गुणा किया और अंतिम निषेक में 64 से गुणा, बीच में हम बिंदी बिंदी लिखेंगे। अब बहुभाग ऊपर दिया, यहाँ ऊपर यहाँ से यहाँ तक बहुभाग दिया है, तो बहुभाग के लिए हम क्या करेंगे, पल्ले के असंख्यात भाग से भाग दिया और फिर एक कम पल्ले के असंख्यात भाग से गुणा करेंगे, वो ही ना दिख यानी एक ही का डिफरेंस है इसलिए उसको निकालेंगे। अब ये चय घटते क्रम से दिया, चय घटते क्रम से हम फिर हम पहले बंधन दंड निकालेंगे, यानी वो असंख्यात का प्रमाण है, पहले अपकर्षण भागार तो भाग दिया था, अब यहाँ से यहाँ कितने निषेक है तो असंख्यात है, ये यहाँ का गच्छ है तो गच्छ से भाग दो और क्या करो, इसी को 16 माइनस एक कम गच्छ का आधा, यही लिखा है वहां पर, ये चय हुआ। अभी चय हुआ तो पहले निषेक में कितना दिया, तो इसको 2 गुना निषेक गुणा करो, फिर उसमें से एक कम, दो कम, तीन कम, यहाँ लास्ट में कितना दिया जाएगा, माइनस एक कम असंख्यात अंतिम निषेक, देख लो पुस्तक ऐसा है ना, 16 में से ऊपर एक कम असंख्यात माइनस कर दिया। अब वो टेबल के नीचे पढ़ेंगे, पुनश्च उदयावली अवशेष रहने पर, यानी अभी ये उदीर्णा हो चुकी, अभी जब आंवली अवशेष रहती है तो अभी आंवली के ऊपर कुछ निषेक ही नहीं है, अभी उदीर्ण होने का भी सवाल नहीं है, तो उदयावली अवशेष रहने पर एक एक निषेक क्रम से गलाकर, अभी यहाँ जो जो कुछ द्रव्य दिया है उसमें से एक 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 निषेक गल जाएगा, क्षायिक समय दृष्टि होता है ना, आंवली काल में क्षायिक समय दृष्टि हो जाता है, यहाँ काल के अल्पभूत्व की संदृष्टि सुगम है, वह उपशम समित्व में अल्पभूत को कहा उस प्रकार और अन्य यथा संभव प्रकार से कथन के अनुसार अल्पभूत के 33 पदों में ऐसी संदृष्टि होती है, वहाँ जो अल्पभूत के पद लिखे हैं, देखो गाथा 153 से 163 तक,
यानी कौन सा अंक और उनका कितने दिन अधिक है वो वहाँ बताएंगे। हाँ देखो पेज नंबर 127 वहाँ पर आता है, 128 से शुरू होता है। हमेशा हमने देखा था कि अनुवाद कांड घात होने के लिए समय लगता है सबसे छोटा अंतर होता है, उसमें भी जघन्य और उत्कृष्ट काल ऐसा है। जब विशुद्धि ज़्यादा होती है तो उसका काल छोटा होता है, विशुद्धि कम है तो काल बड़ा। तो देखो यहाँ पर 128 पेज पर देखो, सम्यक तो मुनि का तो अष्टवर्ष स्थिति करने के समय से पहले समयों में पाया जाने वाला और आयु बिना अन्य कर्मों का अनिवृत्तिकरण काल के अंत भाग में पाया जाने वाला ऐसा जो जघन्य अनुभाग खंडोत्करण काल, वह संख्या तावली मात्र है। वह भी वक्षमाने ने यहाँ कहे जाने वाले सर्व स्थानों से अल्प है। अभी उत्कृष्ट अनुभाग कांड घात कहाँ होता है, यानी उसका काल हो कहते अपूर्वकरण में जब शुरू हुआ था तब, इसलिए उसको वहां दिया। देखो ये अष्टवर्ष करने की इसके बाद ख्याल में सम्यक तो मुनि का तो आठ वर्ष की स्थिति की तब से, तब उसका जघन्य अनुभाग कांड उपकरण काल हुआ था, अन्य कर्मों में अनिवृत्तिकरण के अंत तक लिया। इसका अर्थ क्या है, जब आठ वर्ष की स्थिति रही तब अनुभाग कांड घात रुक गए, स्थिति कांड घात तो चालू रहेगा परंतु प्रति समय अनुभाग का घात होने लगा, इसलिए मोहिनी यानी उसमें दर्शन मोहिनी ने तो कब लिया, आठ वर्षों की स्थिति करने के पूर्व समय में जो हुआ था उसको लिया था। वो आखिरी अनुभाग कांड घात है, उसके बाद कोई नहीं होता, उसके बाद तो प्रति समय होता है, नहीं होता ही नहीं, पहले उसको अंतर्मुक्त लगता था अब प्रति समय होगा, इसलिए उसको वहां लिया। यानी दर्शन मुनि के लिए आठ वर्ष की स्थिति करने के पहले, परंतु ज्ञानावरणादि में तो अनुभाग कांड घात हो ही रहे, उसका तो अनुवृत्तिकरण के अंत तक चलेगा, इसलिए उसको बाद में लिया और इसको पहले लिया। अब हमें तो इसकी केवल संदृश्य देखनी है, तो देखो अपने एक बार जो 527 पृष्ठ सामने रखो और एक बार जो 128 पृष्ठ, तो पहले में ये तो संख्या था अंतर्मूर्त किया, वो भी छोटा अंतर्मूर्त जो यथायुक्त है। अब अपने 128 पर दूसरे पॉइंट पर क्या लिखा था, विशेष अधिक है, कितना विशेष, संख्या भाग मात्र विशेष से अधिक, तो संख्यात्मा भाग अधिक करना है, यानी चार से भाग देकर वो चौथा भाग उसमें मिलाना। जब बहुभाग लेना था तो हम चार से भाग देंगे, तीन से गुना करेंगे, एक कम से गुना, और यहाँ तो संख्यात्मा भाग उसमें मिलाना है तो चार से भाग देकर पांच से गुना करेंगे, जैसे सौ का चौथा भाग उसमें मिलाना है तो सौ का चौथा भाग कितना होता है, 25, तो 25 मिलाएंगे तो क्या कर होगा, 125 हो जाएगा, है ना, यानी चार से भाग दो और पाँच से गुना करो, 25 इंटू 5 वही होगा ना, ऐसा ही आ लेना। अंतर्मूर्त को चार से भाग लिया, पाँच से गुना किया, चार हमने संख्यात मान लिया तो संख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक हुआ विशेष का गुना। अब देखो तीसरे नंबर पर पढ़ लो, उससे संख्यात गुना अनिवृत्तिकरण के अंत भाग में पाए जाने वाले जघन्य स्थिति कांडकोत्करण, अभी कांडकोत्करण का लिया, उससे संख्यात गुणा लिया, क्योंकि हम देखते हैं संख्यात गुणा नहीं जहाँ हजारों गुना होगा, क्योंकि एक स्थिति कांड घात होने के काल में हजारों अनुभाग कांड होते हैं, तो फिर भी उसको संख्यात के लिए हम यहाँ संदृष्टि चार भी बनाएंगे, तो दो नंबर पर जो संख्या थी उसको तो वैसा ही रखा और उसको चार से गुना किया, ये तीन नंबर में हुआ। देखो ये जो मूल में जो लिखा था ना, इसके ऊपर ब्रैकेट में यहाँ क्रमांक डालकर लिखा है जो मूल में नहीं है, तथा संस्कृत टीका में पढ़कर शुद्ध करके लिखा है, कहीं कहीं बहुत अशुद्धि थी यहाँ जो वहाँ छपी थी, तो उसको मूल संस्कृत टीका में से सुधारा गया, ये तीन हो गया। अब चार में
उससे संख्यात विभाग मात्र विशेष शर्त है कि उत्कृष्ट स्थिति कांड घात कब उसका काल कब होता है, अपूर्वकरण जब स्टार्टिंग में हुआ था तब हुआ था, उसके लिए काल अधिक लगता है। तो अभी जो हमने तीन नंबर पर संख्या देखी थी, देखो उसको चार से भाग दिया और पाँच से गुणा किया, वही संख्या आ गई। अब पाँच नंबर पर उससे संख्यात गुणा कृतकृत्य वेदक का काल है, तो अपवर्ती देने बाकी तो वो संख्या गुणा संख्या का भाग वो सब निकाल कर थोड़ा बड़ा अंतर्मूर्त ले लिया पाँच में, इसलिए दो बार संख्यात से गुणित आवली लिया। एक नंबर पर एक बार संख्यात से गुणित आवली की, यहाँ दो बार है, थोड़ा बड़ा अंतर्मूर्त उसका अपवर्तित का, यानी वो यथाविध संख्यात का प्रमाण यथाविध है। ये टीका में जो नंबर दिए हैं और अर्थसंदृष्टि में नंबर दिए हैं वो मूल में नहीं है, वो मूल में नहीं है, मैंने दिए तो हम उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे। यहाँ यानी टेबल के ऊपर भी वहाँ कुछ नंबरिंग नहीं था और मूल जहाँ गाथा की टीका वहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा था, पूरी सब इकट्ठा एक साथ लिया था। तो ये पांच नंबर में कृतकृत्य वेदक का काल हुआ जो अंतर्मूल प्रमाण है यथायोग्य। छह नंबर पर उससे संख्यात गुणा अष्ट वर्ष करने के समय से लेकर कृतकृत्य वेदक के अंत समय तक सम्यक मुनि की क्षपणा का काल है, जितना कृतकृत्य वेदक का काल है उसके पहले आठ वर्ष की स्थिति बनाई थी और इतने बार स्थिति कांड घात हुए थे तो वो सब मिलकर भी आठ वर्ष की स्थिति खपाने के लिए भी कितना काल लगा तो अंतर्मूल, इसलिए उससे संख्यात गुणा हुआ, पाँच से छः संख्यात गुणा, इसने मल्टीप्लाई बाय चार किया। सात नंबर पर उससे संख्यात गुणा अनिवृत्तिकरण का काल, क्योंकि अनिवृत्तिकरण का काल शुरू हुआ था तो हमने देखा था मिथ्यात्व का समय मिथ्यात्व में गुण संक्रमण हुआ, मिथ्या समय मिथ्यात्व का ये सब काल उससे बड़ा, इसलिए और एक बार संख्यात गुणा किया सात नंबर में। आठ नंबर पर उससे संख्यात गुणा अपूर्वकरण का काल है, हमेशा ही अनिवृत्तिकरण से अपूर्वकरण का काल संख्यात गुणा होता है, इसलिए उसको और एक बार संख्यात गुणा किया। नौ नंबर पर उससे अनिवृत्तिकरण काल और उसके संख्यात विभाग मात्र विशेष से अधिक अपूर्वकरण के प्रथम समय में जिसका आरंभ हुआ ऐसा गुण श्रेणी का आयाम है, यानी सात नंबर पर अनिवृत्तिकरण का काल था, आठ नंबर पर अपूर्वकरण का काल था, तो अपूर्वकरण काल में अनिवृत्तिकरण का काल मिला दो और उससे संख्या का भाग अधिक मिला दो तो ये सब मिलकर जो गुणश्रेणी का आयाम हुआ था, अपूर्वकरण का काल की बात नहीं है, गुणश्रेणी के आयाम की बात है, तो वो उससे भी संख्या गुना होती है। ये नौ नंबर पर देखो, आठ नंबर पर जो अपूर्वकरण संख्या गुना अपूर्वकरण का काल था उसमें क्या मिला दिया, अनिवृत्तिकरण का काल मिला वो संख्या का भाग था और उससे विशेष अधिक अपूर्वकरण के प्रथम समय में जिसका प्रारंभ हुआ ऐसा गुणश्रेणी का आया, फिर भी उसको उन्होंने चार बार संख्या चार ही दिया। अब दस नंबर पर उससे संख्यात गुणा सम्यक्त मुनि के द्विचरम स्थिति कांडक का आयाम, फिर भी उसको अपवर्तित करके अंतर्मूर्त बना दिया। अपवर्तित का अर्थ अपवर्तित करना नहीं, वो सॉल्व करना, उसको कैंसल नहीं करना, उसको संख्या संख्या संख्यात गुणा करके उसको हम सॉल्व करेंगे, उसकी फाइनल वैल्यू निकालेंगे। हाँ, नीचे कोई भागार होगा तो हम उसको कैंसिल करेंगे भागार, अभी यहाँ गुणाकार है तो उसको चार का भागार नहीं लेना, विशेष अधिक है, विशेष अधिक में संख्यात भाग अधिक का उसका भी संख्यात भाग अधिक है, परंतु यहाँ उन्होंने कैसे नहीं लिया पता नहीं है। यानी आठ में सात में बराबर था, सात मिलाना है, आठ में सात मिलाना है और सात का संख्या का भाग मिला,
यानी 8 की जो वैल्यू है प्लस 7 की वैल्यू हो जाएगी। प्लस में है, गुणित में नहीं, प्लस में है। इसका अंतर्मूल तो उसका अंतर्मूल प्लस हो गया और उसका संख्या का भाग और उसमें ऐड किया, इसलिए उसको एक संख्या से गुणा कर दिया। अपवर्ती देने उसका फाइनल रिजल्ट करके उसको सॉल्व करके जो 10 नंबर पर है, सम्यक्त होने के द्विचरम स्थितिकांड का आयाम, फिर भी वो अंतर्मूर्त है क्योंकि 8 वर्ष के बाद अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त वाले स्थितिकांड के आयाम होते हैं। और द्विचरम स्थितिकांड का आयाम यहाँ पर ले लिया, उससे संख्या गुणा सम्यक्त होने के अंत स्थितिकांड का आयाम। अंत में तो पुरानी गुण श्रेणी वो सब लिया था, इकट्ठा बड़ा था, वो अंतिम गुण श्रेणी का आयाम बड़ा था, इसलिए संख्या गुणा लिया 11 में। उससे संख्या गुणा सम्यक्त होने की अष्टवर्ष स्थिति का प्रथम कांड का आयाम, यानी द्विचरम से चरम बड़ा और उससे पहला कांडक बड़ा, बड़ा अंतर में। 13 नंबर पर उससे संख्या गुणा कृतकृत्य वेदक के प्रथम समय में पाए जाने वाले ज्ञानावरणादि कर्मों के स्थितिबंध का जघन्य आबाधा काल, आबाधा काल यह है अंतर्मल द्वारा, यानी वहां जो ज्ञानावरणादि क्योंकि अंत कोड़ा कोई जहाँ पर बंद होता है वहाँ अंतर्मूल प्रमाण आबादन यथायुद्ध अंतर्मूल, इसलिए इसको ये बड़ा अंतर्मूल के 13 नंबर पर। 14 नंबर पर वो जघन्य आबादा ली और अपूर्वकरण के शुरू में उसका स्थिति बंद ज़्यादा थी तो उसका उसकी आबादा भी ज़्यादा हो गई तो उससे भी संख्या गुणा हो जाएगी, इसलिए उससे संख्या गुणा अपूर्वकरण के प्रथम समय में पाए जाने वाले स्थितिबंध का उत्कृष्ट आबादा काल। यहाँ तक ये सर्वकाल प्रत्येक यथासंभव अंतर्मूर्त मात्र ही जानना, अभी उससे अल्पबोध में आगे बताएंगे। उससे संख्या गुणा सम्यक्त मुनि के अवशेष अष्ट वर्ष प्रमाण सिके, यानी वर्ष 8-15 नंबर पर आ गए। अभी 8 वर्ष तुम्हें मालूम है उसका प्रमाण, अब उससे आगे उससे असंख्यात गुणा सम्यक मुनि की 8 वर्ष मात्र स्थिति करने के लिए किया हुआ पल्ले के असंख्यात वे भाग मात्र अंत का स्थिति कांड आया, यानी तब स्थिति कितनी बाकी थी जब 8 वर्ष किया कांड करके तो कांड की अंत वाली पतन हुआ तब उसकी स्थिति कितनी थी तो पल्ले के असंख्यात ले, इसलिए उसको असंख्यात गुणा कर दिया, यानी वर्ष 8 को आठ वर्ष को माइनस करके ऊपर का कांडक था ना, तो ऊपर का कांडक कितना था, पल्ले को 3 बार असंख्या से बार किया, 3 बार ये आगे उनको 2 बार बताना होगा, असंख्या गुणा करना होगा, इसलिए मैंने देखो यहाँ क्या बताना चाहते हैं। जब उसका भाग हुआ 8 वर्ष की स्थिति बनाई तो सम्यक होने का कांड कितना बड़ा था और सम्यक प्रकृति का कितना बड़ा, सम्यक मिथ्यात्व का मान लेते सम्यक मिथ्यात्व का इतना बड़ा द्रव्य था और सम्यक प्रकृति का हम दूसरे सम्यक प्रकृति का भी मान लेते उतना ही था, इसमें से 8 वर्ष प्रमाण स्थिति शेष रखती तो 8 वर्ष की स्थिति शेष रखी तब जो अंतिम कांड का आयाम इतना था सम्यक प्रकृति का, कैसे बढ़ेंगे कितना नंबर देखा हूँ मैं अभी 16 नंबर, हाँ देखो उससे संख्या गुणा सम्यक्त मुनि की 8 वर्ष मात्र स्थिति करने के लिए असंख्यात स्थिति करने के लिए किया हुआ पल्ले के असंख्यात भाग मात्र अंत का स्थिति कांड आयाम,
कि अंतिम सिद्धि कांड आया इतना हुआ, इसका सम्यक प्रपोजिट। उसके आगे 17 नंबर पर उससे उच्चिष्टावली से ही अष्ट वर्ष मात्र विशेष से अधिक मिश्र मोहे का अंत का सिद्धि कांड पाया, ये उसकी उच्चिष्टावली बस इतनी है। तो इसका अंतिम कांड कायम कितना हुआ, ये पूरा उसके 8 वर्ष में आ गया, और इसका तो 8 वर्ष छोड़ कर ऊपर का इसमें आ गया, स्थिति दोनों की समान थी, तो इसलिए इसका 8 वर्ष के ऊपर इतना था, जो पल्ले का असंख्या का भाग यथायुग है उसमें से 8 वर्ष कम कर दिया, इतना कांड था। इसका क्या है, इससे 8 वर्ष ज़्यादा है, पर 8 वर्ष ज़्यादा है परंतु पूरे 8 वर्ष नहीं मिल रहा है उसमें, परंतु उसके उच्चिष्टावली शेष रखना है। अगर उसको कंसीडर नहीं भी किए उच्चिष्टावली को, तो वहाँ जो हमने 8 वर्ष माइनस किए थे उसको माइनस नहीं करना, वो निकाल दो। तो 17 नंबर पर देखो, पल्ले को 3 बार असंख्या से भाग दे, इतना है ना, संदृष्टि क्यों की और उसका अर्थ क्या है, इतना समझना है। ये 17 नंबर पर। अब 18 नंबर पर उससे असंख्यात गुना अंत स्थिति कांडक की अंत फाली के द्रव्य को मिश्र मोहिनी में संक्रमण करके मिथ्यात्व का क्षय करने के समय के अनंतरवर्ती समय में पाए जाने वाला मिश्र मुनि और सम्यक्त मुनि का प्रथम स्थिति कांड आया। अब उससे कितने गुना लिखा है यहाँ पर, असंख्यात, तो उससे असंख्यात गुना, उससे असंख्यात यहाँ तो असंख्यात भाग से बहुभाग लिया, बहुभाग लिया असंख्यात, बहुभाग लिया उसका, क्या कहना चाहते हैं, इसके ऊपर बहुत कांडक हुए थे, तब मिथ्यात्व का अंतिम कांडक कितना था, यहाँ लिखा ना, मिश्र मुनि में संक्रम करके अंत फाली के द्रव्य को, यानी अंत कांड, अंत स्थिति कांडक की अंत फाली किसके मिथ्यात्व नहीं, मिथ्यात्व की नहीं, मिथ्यात्व का क्षय करने के समय के अनंतरवर्ती समय में पाए जाने वाला मिश्र मुनि और सम्यक्त मुनि का प्रथम कांड कायम, यानी इसके ऊपर ये तो अंतिम कांड कायम इसका हुआ, इसके ऊपर उसके संख्या गुना यानी असंख्या गुना चले जाओ, तो उसका जो कांडक हुआ था पहला कांडक उसको लेना। ये जो उसको उसको असंख्यात से भाग, उसको एक कम असंख्यात से गुना, हाँ तो असंख्यात गुना ही हो गया ना डायरेक्ट, एक का वैल्यू नहीं कंसीडर कर, एक का वैल्यू धरे तो भी क्या हुआ, असंख्यात में एक समय कम कर दो तो भी असंख्यात ही रहने वाला, यानी उसके असंख्यात गुना हो गया, क्योंकि पल्ले के 3 बार असंख्यात का भाग था, उसको एक कम असंख्यात से गुना किया, इन्हें असंख्यात से गुना किया, यथायोग्य असंख्यात से गुना किया, इन्हें उसके असंख्यात गुना हो गया। अब उसके बाद उससे भी असंख्यात गुना 19 नंबर पर, तो उससे असंख्यात गुना किया, तो असंख्यात से गुणा किया तो डिवीजन में एक असंख्यात कम हुआ, नहीं समझे, देखो पहले कितना था, इस तरह से बताया, इसको असंख्यात गुणा करने के लिए विशिष्ट असंख्यात से गुणा किया, ये विशिष्ट असंख्यात से गुणा किया, उसको और असंख्यात गुणा करना है, तो इसमें से एक ये ऐसा ही लिखा है 19 नंबर पर। अब कहते उससे मिथ्यात्व का सत्व जिस काल में पाया जाता है उस काल में मिश्र मुनि और सम्यक्त मुनि के अंत कांड का भाग होने के पश्चात अवशेष रही उन दोनों की नीचे की स्थिति पल्ले के असंख्यात विभाग मात्र उससे अधिक मिथ्यात्व के अंत कांड का आयाम है, नहीं समझे, जैसे हमने इन दोनों पे देखा, अभी हमने ये तो अंतिम कांड देखा, उसके बदले हम मान लेते हैं ये 8 वर्ष की कुछ बात नहीं यहाँ पर,
वहाँ तो तीनों ही द्रव्य थे, तीनों ही द्रव्य जब थे, ये मिथ्यात्व का द्रव्य था। तो मिथ्यात्व की जब अंतिम कांड की अंतिम फाली फिरी तो क्या हुआ, इसकी उच्चिष्टा और शेष रखी, इतना ही शेष है और ये सारा द्रव्य इसमें चला। पहले जब इसके कांडकों की बात कर रहे हैं तो इसके ये तो कांडक बाद में हुए, उसके ऊपर 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 हमने वो पहले कांडक देखे थे बड़े बड़े, तब ये भी इसकी भी स्थिति उतनी थी। और जब ये उस रूप हो गया तो इसमें नीचे कुछ छोड़े बिना पूरा का पूरा हुआ, एक आवली छोड़ी नीचे, परंतु इसके जितने कांडक होते हैं तीनों की सत्ता तभी समान थी, ये पूरा का पूरा उसमें टर्न हो गया, बाद में उसमें कांडक हो गए। देखो हम ऐसा समझते हैं, इतनी ही पहले जब मिथ्यात्व का द्रव्य था तो तीनों की इतनी सत्ता थी, ये मिथ्यात्व की अंतिम कांडक, अभी वो सारा ही इन दो रूप होकर नष्ट हो जाए, ये नष्ट हुआ तब इसकी भी कुछ खाली तो उस समय भी गई। उसके बाद इसकी एक फाली दो फाली बहुत सारी होगी, तब जाके वो इतनी पल्ले के असंख्या विभाग जो हमने पहले देखी थी स्थिति उतनी रही। उसके कंपैरिजन में ये जो रही थी मिथ्यात्व की अंतिम वो असंख्या, बस इतना ही बता। जो मिथ्यात्व के अंत कांडक का आया ये 20 नंबर पर, तो उसको भी यथायोग्य असंख्या गुणा करके, ये तो पहले चला गया था और असंख्या इसको भी इसके साथ निकाल लेगी, तो यथायोग्य पल्ले का असंख्या तो भाग लेगा। अब 21 नंबर पर उससे असंख्यात गुणा दर्शन मोहनीय त्रिक की दुरापकृष्टि नामक स्थिति में प्राप्त हुआ, ऐसा पल्ले के असंख्यात बहुभाग मात्र स्थिति कांडक आयाम है। हमने देखा था जब दुरापकृष्टि तक सत्व आता है तो तब उसका जो स्थिति कांडक का आयाम है, अभी दुरापकृष्टि किसको कहना, पल्ले का ऐसा संख्यात भाग जो अंतिम है, पल्ले से लेकर पल्ले के वो दुरापकृष्टि नामक स्थिति तक कांडक के आयाम का प्रमाण कितना होता है, तो पल्ले का संख्या बहुभाग होता है, उसके बाद असंख्या बहुभाग होने लगता है। तो दुरापकृष्टि के बाद की बात की इन्होंने, दुरापकृष्टि नामक स्थिति में प्राप्त हुआ, यानी दुरापकृष्टि होने पर जो पहली बार स्थिति कांडक आयाम हुआ था तो उसका प्रमाण पल्ले का संख्या बहुभाग था, असंख्या दो भाग वो 21 नंबर पर बताया है। तो वहाँ पल्ले के असंख्या बहुभाग है, तो असंख्या बहुभाग के लिए असंख्यात से भाग दिया और ऊपर एक कम असंख्यात से गुणा, परंतु आगे की संख्या कुछ विशिष्ट संख्या गुणा बतानी थी, इसलिए इसी में डिवीजन में 5-5-5 भी रखे, क्योंकि आगे वाली संख्या समझानी थी इसलिए। तो उससे संख्यात गुणा दुरापकृष्टि को कारण ऐसा पल्ले के संख्यात भोगभाग मात्र स्थिति कांडक आयाम है, कि अंतिम संख्यात भोगभाग वाला अंतिम कांडक आयाम, इसलिए ये नीचे डिवीजन में 4 बार 5 था, उसको एक बार 5 से गुणा करेंगे तो वो नीचे 5-5-5 तीन बार रहेगा, और वो एक असंख्यात और एक कम असंख्यात को उन्होंने वो तो अपवर्तक कर दिया। फिर 23 नंबर पर उससे संख्यात गुणा पल्ले मात्र अवशेष स्थिति होने पर पाया जाने वाला द्वितीय स्थिति कांडक का आयाम है, यानी पल्ले मात्र स्थिति जब पाई जाती है तब उससे वो संख्यात गुणा हुआ, तो 1-5 और कट हो गया। उसके बाद उससे संख्यात गुणा पल्ले मात्र स्थिति के कारण हो ऐसा पल्ले के संख्यात विभाग मात्र स्थिति कांडक आयाम है, ये जो पहले बताया था पल्ले के बाद होने वाला द्वितीय स्थिति कांडक आयाम बताया, और ये तो पल्ले होने के लिए जो हुआ था वो बताया,
इसलिए पल्ले को संख्या से भाग दिया 24 नंबर पर, और उससे भी संख्या गुणा अपूर्वकरण के प्रथम समय में प्रारंभ हुए ऐसे जघन्य स्थिति कांड का आयाम है। ये हो गया यहाँ पर 26 नंबर पर हुआ ना, 25 पर हुआ पल्ले का संख्या प्रभाव। 26 नंबर पर उससे संख्यात गुणा पल्ले मात्र अवशेष स्थिति में प्राप्त, ऐसा पल्ले के संख्यात बहुभाग मात्र प्रथम कांडक आयाम है, यानी संख्यात बहुभाग के लिए 5 से भाग दिया और 4 से गुणा किया, वो संख्यात बहुभाग है 26 नंबर पर। 27 नंबर पर पल्ले होगा, पल्ले के संख्या विभाग मात्र विशेष से अधिक पल्ले मात्र स्थिति संख्या है, वो उससे विशेष है या 1/5 कम था ना इसमें, वो उसमें मिला था तो पल्ले हो जाता है। फिर 28 उससे संख्यात गुणा अपूर्वकरण के प्रथम समय में जघन्य और उत्कृष्ट कांडकों के बीच के विशेष का प्रमाण, पल्ले के संख्यात विभाग से हीन पृथक्व सागर प्रमाण। ये ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उत्कृष्ट कांडक पल्ले पृथक्व सागर है और जघन्य कांडक पल्ले का संख्या प्रभाव, उसमें डिफरेंस कितना है तो उसमें से वो माइनस कर दो इतना डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पृथक्व सागर के लिए 7-7-8 ऐसा लिखा है, माइनस पल्ले का संख्या प्रभाव। 29 नंबर पर उससे संख्यात गुणा अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में पाए जाने वाले दर्शनों का स्थिति सत्व है, वहां तो कांडक का प्रमाण बताया था और यहाँ सत्व का प्रमाण बताया, यानी यह पृथक्व लाख सागर होता है, इसलिए 7-7-8 ल लिखा। 30 नंबर उससे संख्यात गुणा कृतकृत्य वेदक के प्रथम समय में पाए जाने वाला दर्शन मोह बिना अन्य कर्मों का जघन्य स्थिति बंध है तो अंत कोड़ा कोड़ी, परंतु इससे आगे वाले कोड़ा अंत कोड़ा कोड़ी अधिक बताना है, इसलिए यहाँ 4 जो संख्या है 3 बार उससे वो भाग गया। सा यानी सागर, अंग यानी अंत, को दो यानी कोड़ा कोड़ी, तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर इसके चिन्ह है, और उसको 3 बार संख्या से भाग दिया। आगे वाला उससे संख्या गुणा है 31 नंबर पर क्या है, तो अपूर्व कर्म के प्रथम समय में पाए जाने वाला उन्हीं कर्मों का उत्कृष्ट सिद्ध बन गया, उन्हीं ने यहाँ तो दर्शन होने के बंदे का सवाल नहीं, अन्य की बात चल रही, तो संख्या गुणा है इसलिए डिविजन में 1-4 कम कर दिया। 32 में उससे संख्या गुणा अनिवृत्तिकरण के अंत भाग में पाए जाने वाला उन्हीं कर्मों का स्थिति सत्व है, वो जो अन्य है, इसलिए सागर अंत कोड़ा कोड़ी को एक ही बार 4 से भाग दिया, उससे भी संख्यात गुणा अपूर्व कर्म के प्रथम समय वाला स्थिति सत्व, उत्कृष्ट स्थिति सत्व, यानी ये अपूर्व कर्म से लेकर क्षपणा के काल में जो पाए जाने वाले अल्प बोध पर है उसकी बात। तो ये 33 नंबर पर अंतिम जो अल्पभूत का अंतिम प्रमाण बता दिया, सम्यक वादिका संदृष्टि समाप्त। संदृष्टि कैसे बनाए उसकी ये रचना मैडम, यहाँ जो 5 है वो भी संख्या की है, 4 भी संख्या, बराबर, कहीं किसको संख्या बनाए कहीं किसको, अरे वो कम ज्यादा ऐसा ऐसा कुछ नहीं, वो 4 लिखो 9 लिखो कुछ भी लिखो उसका उसका प्रपोर्शन का समझना। अथ देश चारित्र अधिकार में संदृष्टि कहते हैं, ये देश चारित्र अधिकार यहाँ से आगे शुरू हो जाता है जो अभी हमने देखा था ना उसके आगे, ये पेज नंबर 132 से शुरू हो जाएगी ये बात, अब हम यहाँ उसको पढ़ेंगे पहले, संदृष्टि जहाँ आती है उसकी बात करेंगे। तो ये गाथा 168 से 188 तक ये यहाँ पर संदृष्टि बनाएंगे। वहाँ अध प्रवृत्त देश संयत में, ये अध प्रवृत्त देश संयत क्या होता है,
नहीं 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 वो अवधार प्रवृत्त नहीं है. अवधार प्रवृत्त का अर्थ होता है स्वस्थान देश संयोग. जो सामान्य से पांच गुण स्थान है उसमें हानि वृद्धि सब होती है ना, उसको अवधार प्रवृत्त कहते हैं. यहाँ कुछ लिखा है क्या? क्योंकि औषधि समित्व के सब ग्रहण करता है तो शुरुआत में तो उसकी विशुद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिसको हम कहते हैं स्टीप राइज होती है, और बाद में तो सेटल डाउन होता है. वेद समय दृष्टि भी उसके साथ होता है, तो बाद में शुरुआत में प्राप्त करते ही पात्र में आते ही उसके तो विशुद्धि बहुत बढ़ती है, और बाद में जिसको हम कहेंगे स्टडी हो जाएगा सेटल डाउन, तो हीना वृद्धि भी होती है, हानि भी होती है, अवश्य भी रहता है, तो उसको अधा प्रवृत्त कहते हैं. यानी करण वाली बात नहीं, सामान्य की बात है. स्वस्थान इसको हम स्वस्थान कहेंगे, स्वस्थान देश संयुक्त कहेंगे. चतुस्थान पतित वृद्धि हानि युक्त अपकर्षण द्रव्य होता है. अपकर्षण द्रव्य हमेशा कितना होता है तो विशेष भागहार से भाग देके असंख्यात भाग होता है, तो उसमें कितनी हानि वृद्धि हो सकती है, तो चतुस्थानी हो सकती, यानी अनंत की बात यहाँ नहीं हो सकती. वहाँ सत्व द्रव्य ऐसा हमेशा हम देखते हैं स्वसंख्या द्वारा, यानी पूरा सत्व द्रव्य सभी कर्मों का मिलकर उसको सात का भाग देने पर एक कर्म, उसको अपकर्षण भागार का भाग देने पर अपकृष्ट द्रव्य ऐसा, यानी स्वसंख्या द्वारा कुछ कम डिवाइडेड बाई सात डिवाइडेड बाई ओ यानी अपकर्षण भागार, उसको असंख्यात संख्यात का भाग देकर क्रम से एक अधिक असंख्यात और संख्यात से गुणा करने पर असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि होती. देखो हम इसको देखेंगे कहीं पर भी, जो हम कहते हैं ना ये चतुस्थान पतित कौन कौन से होती है, कौन कौन से होगी, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुणा वृद्धि, असंख्यात गुणा वृद्धि. असंख्यात भाग वृद्धि का अर्थ क्या है? असंख्यात से भाग देकर वो उसी में मिला है, जैसे हमने देखा था चौथा भाग करके उसी में मिलाया था सौ का, है ना? ऐसे क्या करना है, असंख्यात से भाग देकर उसी में मिलाना. तो हमने चौथा भाग करके मिलाने के लिए क्या किया था, चार से भाग दिया और पांच से गुणा किया. यहाँ असंख्यात से भाग देंगे और एक अधिक असंख्यात से गुणा करेंगे, तो यहाँ देखेंगे उसी को संख्यात असंख्यात से गुणा करने पर संख्यात गुणवृद्धि और असंख्यात गुणवृद्धि होती है, और उसी को असंख्यात संख्यात का भाग देकर असंख्यात भाग हानि ने उसमें एक घटाना है, एक कम असंख्यात संख्यात से गुणा करने पर असंख्यात भाग हानि संख्यात भाग हानि होती है, और उसी को संख्यात असंख्यात का भाग देकर संख्यात गुणहानि और असंख्यात गुणहानि होती है उनकी संदृष्टि से. अब हम देखते हैं हमारे पास द्रव्य कितना था, तो हमने देखा था पूरा द्रव्य तो असंख्यात बारह कुछ का, उसको सात से भाग देंगे तो एक कर्म प्रकृति की बात आई, उसको ओ यानी अपकर्षण भागार से भाग हो गया, तो इतना द्रव्य अपकर्षित हुआ. अब इसमें जो वृद्धि हानि होती है तो पहले वृद्धि की बात करेंगे. असंख्यात भाग वृद्धि का अर्थ क्या है, उसको असंख्यात का भाग देकर उसमें एक अधिक असंख्यात से गुणा करो, एक अधिक है माइनस नहीं किया अधिक किया, तो ये इसका अर्थ होता है असंख्यात भाग वृद्धि. संख्यात भाग वृद्धि के लिए क्या करेंगे, संख्यात से भाग देंगे, तो संख्यात से भाग देंगे और एक अधिक संख्या से गुणा करेंगे, क्योंकि संख्यात भाग वृद्धि डायरेक्ट संख्यात गुणा करना है, तो क्या करेंगे हम, उसी को तो संख्यात गुणा कर दिया हमने, ये तो संख्यात गुणा हो गया, तो संख्यात गुणा वृद्धि हुई. असंख्यात गुणा करने के लिए असंख्यात से गुणा करेंगे, असंख्यात गुणा वृद्धि ये उसकी संदृष्टि बनाए. अब हानि के लिए क्या करना है, असंख्यात भाग हानि, जैसे हम सौ का उदाहरण लेते सौ का असंख्या चौथी चौथी चौथा भाग करके उसको घटाना है,
तो चौथा भाग होता है 25 चौथा भाग 25 को घटाने तो 75 यानी 4 से भाग दो 3 से गुणा जो हम बहुभाग कहते थे ऐसे ही असंख्यात भाग हानि के लिए क्या करेंगे असंख्यात से भाग दो और एक तो असंख्यात से गुणा करो तो डायरेक्ट मान लिया ये असंख्यात का भाग कम करके इतना रह गया जिसको हम असंख्यात बहुभाग भी कहते हैं संख्या भाग हानि के लिए क्या करेंगे संख्या से भाग देंगे और एक कम संख्या से गुणा करेंगे ये हुई संख्यात भाग हानि की बुद्धि लिखा नहीं होगा संख्यात गुणा हानि करने के लिए संख्यात संख्यात से भाग देंगे ये संख्यात भाग हुआ उसी को कहेंगे संख्यात गुणा हानि संख्यात भाग होने को ही संख्यात गुणा हानि कहेंगे जैसे 100 को हमने 4 से भाग दिया 25 आए संख्यात गुणा हानि हो गई उसकी 4 गुणा हानि हो और असंख्यात गुणा हानि के लिए असंख्यात से भाग देंगे तो असंख्यात गुणा हानि ये चतुस्थान वृद्धि और चतुस्थान हानि होगी ये उसकी संदृष्टि कैसी लिखना ये उसका कथन है अब आगे पढ़ेंगे वहाँ काल के अल्पभूत्व की संदृष्टि पूर्वोक्त प्रकार से और अन्य यथासंभव प्रकार से कथन के अनुसार 18 पदों में ऐसी जानी ये भी गाथा 178 से आगे बताए वही संदृष्टि कहीं अंतर्मुख की है हाँ तो कहीं 4 से भाग देकर 5 से गुणा किया कहीं उसको संख्या गुणा किया इस तरह से ये बात पढ़ेंगे अभी हम यहाँ पर 178 गाथा ढूंढने में हाँ आसान हो इसलिए नंबर 113 पर शुरू हो जाते हैं यहाँ पर भी ऐसा ही देश संयत के एकांत वृद्धि ये एकांत वृद्धि ने जब देश संयम प्राप्त हुआ तो पहले अंतर्मुहूर्त में विशुद्धि की एकांत वृद्धि होती है वैसे तो अनिवृत्तिकरण तो समाप्त हुआ था उसका परंतु स्टार्टिंग में उसकी एकांत वृद्धि और भी रही वहाँ पर अंत में जो जघन्य अनुभाग कांड को उपकरण हुआ था खंड उसका काल लेना और उससे कुछ अधिक अपूर्व कर्म के प्रथम समय में शुरू हुआ था अनुभाग कांड घात उसका काल लेना तो पहला नंबर देखो यथा योग्य अंतर्मुख 528 और 138 को कंपेयर करना आपको उसके आगे संख्यात्मा भाग अधिक है 4 से भाग लिया 5 से गुणा किया है ना संख्या से भाग से अधिक तीसरे नंबर पर अब यहाँ कांड को उपकरण लेना जघन्य कांड को उपकरण का काल वो संख्या गुणा लेना है उसी पॉइंट पर कि देश संयत के एकांत वृद्धि काल के अंत समय में पाए जाने वाला जघन्य स्थिति कांड को उपकरण का दो नंबर पर जो बात ली उसी को संख्या गुणा कर दिया यानी 4 से गुणा कर दिया फिर उसके इसके अपूर्व कर्म के शुरू में जो हुआ था कांडकोत्कर्म काल वो उत्कृष्ट है तो उसको उससे विशेष अधिक मिले तो 3 नंबर की संख्या रख के और उसको 4 से भाग दे के 5 से गुणा वो विशेष अधिक उसके संख्या गुणा एकांत बुद्धि का काल तो डायरेक्ट उसको बड़ा अंतर्मूल बना लिया उससे संख्यात गुणा अपूर्वकरण का काल तो यहाँ संख्यात के लिए 4 से गुणा कर दिया उससे संख्यात गुणा मिथ्यात्व समय मिथ्यात्व और समय मौनी इन तीनों का जघन्य उदय काल मैं इसका अर्थ बताऊंगी आपको और असंयम देश संयम सकल संयम इनका जघन्य काल परस्पर समान है वो वहाँ 7 नंबर पर लिया उसका अर्थ क्या है देख लेते हैं आपको ख्याल में आया कि नहीं पता नहीं यहाँ क्या बता रहे उदय काल मिथ्यात्व का जघन्य उदय काल का अर्थ क्या है पहला गुणसन का जघन्य काल समय मिथ्यात्व का जघन्य उदय काल का अर्थ है तीसरे गुणस्थान का जघन्य काल समय तो मोनी का जघन्य उदय काल नहीं वेदक समयत्व का जघन्य काल तीनों का जघन्य उदय काल ये सब समान बताए और असंयम
मैंने चौथे स्थान में रहने का जगह निकाल, देश संयम ने पांचवें स्थान में रहने का जगह निकाल और सकल संयम इनका जगह निकाल, इन्हें सातवा प्राप्त करके छठे सातवें में रहने का जगह निकाल, परस्पर समान है। तो ये हमने सात नंबर पर देखे, उससे संख्या गुणा अपूर्वकरण के अनंत समय में हमने अनंत किया था, जिसका आरंभ हुआ ऐसा देश संयम संबंधी गुण श्रेणी आयाम है। एक्चुअली अपूर्वकरण के लिखना है क्या, देश संयम के प्रथम समय में आरंभ हुआ, ठीक है, फिर भी उसको हमने संख्या संख्या गुणा जो कहा अभी कहाँ देख रहे थे 528 का, इसको नंबर दिया हमने 8, उससे संख्या गुणा एकांत वृद्धि के अंत समय में पाए जाने वाले स्थितिबंध का जघन्य आबादा पर, यह स्थितिबंध की आबादा ली है नवे नंबर पर, उसको अंतर्मूर्त बड़ा बना दिया। दसवें नंबर पर उससे संख्या गुणा अपूर्वकरण के प्रथम समय में पाए जाने वाले स्थितिबंध का उत्कृष्ट आबादा, यानी एकांत बुद्धि में अंतिम लिया जगन्य के लिए और अपूर्वकरण के स्टार्टिंग में उत्कृष्ट लिया, वो दस नंबर पर संख्या गुणा कर दिया। यहाँ तक कहे हुए सर्वकाल प्रत्येक अंतर्मूर्त मात्र ही है, उससे असंख्यात गुणा भी डायरेक्ट असंख्यात गुणा कह रहे हैं, एकांत वृद्धि के अंत समय में पाए जाने वाला जघन्य स्थिति कांडक आयाम है, एक कांडक आयाम की बात है, पल्ले का संख्या का भाग देता, इसलिए असंख्या गुणा था। और 12 नंबर पर अपूर्वकरण के स्टार्टिंग में पाए जाने वाला जघन्य स्थिति कांडक आयाम है और उससे संख्या गुणा पल्ले 13 नंबर पर, उससे संख्या गुणा वो जो उत्कृष्ट स्थिति कांड घात यानी आयाम तभी होता है अपूर्वकरण के स्टार्टिंग में, जगन्य पल्ले का संख्या का भाग उत्कृष्ट पृथक तो सागर, इसलिए यहाँ सात आठ लिखा, सात आठ ने पृथक। 15 नंबर पर संख्या गुणा एकांत बुद्धि के अंत समय में पाए जाने वाला जगन्य स्थिति बंध है, जो अंत कोड़ा कोड़ी सागर है, फिर भी आगे की संख्या इससे संख्या गुणा बतानी थी इसलिए इसको चार से तीन बार बार, उससे संख्यात गुणा अपूर्वकरण के प्रथम समय में पाए जाने वाला उत्कृष्ट स्थिति बंध है, तो उसको दो बारी चार से बांध दिया अंत कोड़ा को सा, उससे संख्यात गुणा एकांत वृद्धि के अंत समय में पाए जाने वाला स्थिति सत्व है, देखो 15वें स्थिति एकांत वृद्धि के अंत में स्थिति बंध था, 17 में वही का स्थिति सत्व है, तो उससे संख्यात गुणा किया। और 18 नंबर पर उससे भी संख्यात गुणा उत्कृष्ट स्थिति सत्व जो अपूर्वकरण के स्टार्टिंग में है, उसको अंत कोड़ा कोड़ी सागर पूरा यहाँ ले, इस तरह से यहाँ तक ये अल्प बहुतों की संदृष्टि पूर्ण होती है। अब जो नया विषय है उसको हम कल से ले लेंगे। जवानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक न हो।